नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूनिक फैशन चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फिटिंग पैंट की क्रॉस जेब कैसे लगाएं। ये पैंट की जेब के लिए हमारे को कपड़ा चाहिए, वो हमारे को लगभग 13 इंची लंबाई का कपड़ा चाहिए और यहाँ से हम रख रहे हैं 6 इंची। तो आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमें रखना है। तो दोस्तों, इसकी कमर हैं वो आपको मैं दिखा दूँ, इसकी कमर 26 इंची है। तो आपको क्या कर लेना होगा कि ये कपड़ा है डबल में है, तो आपको उल्टे सीधे का ध्यान रखना है, इस तरीके से रख लेना है। ये है सीधी साइड है और ये है सीधी साइड है, ये पार्ट फ्रंट पार्ट है, ये इस तरीके से रख लेना है। रख के और लंबाई तो हमें 13 इंची ले लेनी है और यहाँ पर लगभग हमें 1.5 इंची एक्स्ट्रा रहना चाहिए यहाँ पर, और लंबाई हमने 13 इंची ली है, यहाँ पर हमें 1.5 इंची रहना चाहिए। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है या तो आप इस तरीके से रख के और यहाँ से कटिंग कर लेना इस तरीके से, और यदि आप इस तरीके से नहीं करते हैं तो मार्का लगा के और फिर कटिंग कर लेना। और यहाँ पर हमें एक कट लगा लेना होगा। ये दोस्तों आपको दिखा दूँ, ये हमने ये कट लगाया है, तो ये 2 इंची का लगाया है, तो इस तरीके से लगा लेना है और यहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेना है। और कट लगाने के बाद में इसको इस तरीके से रख लेना है। और ये हमने नीचे गोलाई में दिया है, तो ये 13 इंची है, तो लगभग मैंने 11 यानी कि 2 इंची इसका घुमाव दिया है, तो आप भी इस तरीके से घुमाव दे सकते हैं। तो दोस्तों, करना क्या होगा कि हमें इस कपड़े को सीधा रख लेना होगा, और सीधा रखने के बाद में इस कपड़े को हैं इसको यहाँ पर इस तरीके से रख लेना होगा, इस तरीके से बराबर में रख के यहाँ से इस तरीके से। और रखने के बाद में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको इस तरीके से सिलाई चलानी होगी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से सिलाई करनी होगी। दोस्तों, मैंने ये जेब के लिए ये पैटर्न बना रखा है, ये गोलाई दी हुई है हल्की सी, तो आप इस तरीके से बना के और हमारी ये इसकी लंबाई रख रहे हैं, लंबाई है वो है लगभग 7 इंची है और ये यहाँ पर है 2 इंची। तो इस तरीके से इसको रखेंगे यहाँ पर, जैसे चौक से निशान लगा लेंगे, इस तरीके से चौक से निशान लगाने के बाद में यहाँ पर हमें, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि नीचे से हमें बराबर में रखना होगा, और यहाँ पर इस तरीके से हमें यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी होगी जो हमने मार्का किया है उसी के ऊपर से। इस तरीके से सिलाई लगा लेनी होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये नीचे का कपड़ा है जेब का, ये सीधा रहना चाहिए और ये ऊपर से उल्टा रहना चाहिए। और यहाँ से हमें लगभग सिलाई मार्जिन रख के और यहाँ से कटिंग कर लेनी है इस तरीके से, और यहाँ पर हल्के हल्के नोच लगा लेने हैं ताकि हमारी गोलाई है वो सही तरीके से आए। और इसके बाद में इसको यहाँ से इस तरीके से पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद में यहाँ से एक पाइप पिन बना लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की लेने की ज़रूरत नहीं है, यदि आपके पास कपड़ा जेब का पूरा है तो आप इस तरीके से बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। और इसके बाद में आपको क्या करना होगा कि इस तरीके से पाइप पिन बना के और यहाँ पर आपको लब की सिलाई लगा लेनी होगी। तो मैं आपको लब की सिलाई लगा के दिखा देता हूँ किस तरीके से लगाना है। दोस्तों, इस तरीके से लब की सिलाई लगा लेनी है, इस तरीके से एक किनार निकाल के पाइप पिन, और इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों, इसके बाद में ये सीधी साइड है तो इसको इस तरीके से पलट लेना है, इस तरीके से नीचे की साइड में पलट के, और यहाँ पर एक मोती
की सिलाई लगा देनी है इसके नीचे नीचे, इसको बंद करने के लिए जेब को इस तरीके से सिलाई लगा देंगे एक नोट की। और सिलाई लगाने के बाद में हमें क्या करना होगा कि दोस्तों यहाँ पर कट लगाना होगा, तो हल्के हल्के यहाँ पर कट लगा लेने हैं, लेकिन ध्यान रखना है हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे, इसको अंदर की साइड में दे देंगे, यहाँ से अच्छे से निकाल लेंगे इसको इस तरीके से जो हमने सिलाई लगाई है। और इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर एक नोट की सिलाई लगा देनी है। इससे लगाने से क्या होगा कि अंदर की साइड में जो रेसे हैं वो दब जाएंगे, तो हमें यहाँ पर एक बोंड की सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। इस तरीके से लगाने के बाद में दोस्तों इसको इस तरीके से सीधा रख लेंगे, इस तरीके से इसको सीधा रख लेंगे अच्छे से। और जो हमारा ये 2 इंची का हमने कट लगाया था ये इसके बराबर में रख लेना है इस तरीके से। और रखने के बाद में अच्छे से रख के और यहाँ पर इसकी जॉइंट कर देंगे इसको इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ से कटिंग कर देना है इस तरीके से। और ऊपर से दोस्तों हमें टांकी बांध लेनी है, तो दोस्तों इसकी टांकी लगभग हम इसमें आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से इसका खुला मुँह रहेगा, तो लगभग 6 इंची खुला मुँह रहेगा यहाँ तक इस तरीके से। तो यहाँ पर इसकी जॉइंट कर लेनी है, तो इसको यहाँ से 2 इंची के ऊपर से जो ये कट है यहाँ से इस तरीके से रख के और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर पक्का कर देना है इस तरीके से। और पक्का करने के बाद में हम ऊपर की साइड में इसकी सिलाई इस तरीके से लगा देंगे। और लगाने के बाद में दोस्तों जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर से इसको यहाँ से कटिंग कर लेनी है इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों हमें इसके नीचे जाती भी लगानी होती है ताकि हमारी ये जेब है जो इसमें हाथ दें तो ये बाहर की साइड ना आए, यहाँ पर पुल आउट ना आए, इस कारण से हमें यहाँ पर जाती लगानी होती है। तो दोस्तों जाती आप किसी भी कपड़े की लगा सकते हैं। दोस्तों मैं इसकी जाती लगाऊंगा, तो दोस्तों मैं इसका कपड़ा काट लेता हूं। तो जो ये जाती लगा रहा हूं ये कपड़े की लंबाई है वो लगभग 3 इंच रखनी है दोस्तों। तो इस तरीके से इसको मोड़ लेना है और यहां पर एक सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और सिलाई लगाने के बाद में यहां से इस जेब को इस तरीके से रख लेना है और इसको यहाँ इस तरीके से रख लेना है। और रखने के बाद में यहाँ से हमें इसको जाती को अंदर की साइड में दे देंगे इस तरीके से लगभग 1/2 इंची इस तरीके से। और यहाँ पर इस तरीके से एक लग की सिलाई कर लगा देंगे और यहाँ पर अच्छे से पक्का कर देंगे। और पक्का करने के बाद में दोस्तों ये एक्स्ट्रा धागे हैं इसको काट लेना है। और इसके बाद में यहाँ से हम इस तरीके से इसको रखेंगे जेब को और ये जाती है यहाँ से हम जॉइंट कर देंगे इसकी, यहाँ से एक लग की सिलाई लगा के इस तरीके से। इस तरीके से सिलाई लगा देंगे किनार किनार की और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरीके से काट लेना है दोस्तों। और ये ऊपर से भी कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद में इसकी कमर है वो 26 इंची है, तो 26 का हम 1/4 करेंगे तो 6.5 और 1 इंची हमें सिलाई मार्जिन तो 7.5। तो दोस्तों हमें इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है, ये 7.5 आ रहा है, तो इस तरीके से हमें नाप के और अच्छे से ये जेब बना लेनी है। दोस्तों ज़्यादातर लोगों में यहाँ पर 2.5 इंची रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि फुलआउट आती है, तो आप छोटी पैंटों में आप यहाँ पर 2 इंची रख के और फिर सिलाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कमेंट करना ये हमारी छोटी सी जानकारी कैसी लगी, और अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो दोस्तों आपके पास पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको सिलाई संबंधी जानकारी देता रहता हूं, तो मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।